सत श्री अकाल जी, आप सबका जेके रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टोस्ट। शाही टोस्ट के लिए हमने 6 ब्रेड पीस लिए हुए हैं, चीनी, पानी, मावा और एक ड्राई फ्रूट। साइड ब्रेड के हम साइड पीस निकाल लेंगे, चाहे वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन साइड पीस जो अच्छे लगते हैं इसलिए साइड पीस निकाल दो। इस तरह हम सारे निकाल लेंगे। अब पीस को कटे चार तरफ से कटिंग कर ली है। अब पीस काटे किसी भी शेप में आप काट सकते हो। इस तरह सारे पीस काट लो। इसके लिए हम पहले चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए 1 कप हमने चीनी ली है और 1/2 कप पानी। इसको हमने 1 दाल की चाशनी बनाएंगे। और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे साथ। इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, ये स्मेल के लिए डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची भी ऐसे ही डाल सकते हो कि बाद में निकल जाएगी वो। तो हमारी तैयार हो गई है। 1 दाल की चाशनी बन गई है, देखो 1 दाल की चाशनी बन चुकी है। अब इसको हम उतार दिए। अब रबड़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा दूध ले रही हूँ। इसके अंदर 1/2 कटोरी में मावा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लो। इलायची आप इसमें भी डाल सकते हो, चाशनी में भी डाल सकते हो। ये देखो ठीक हो गया, थोड़ा सा और हो जाए। इसमें रबड़ी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम ना थोड़ी चीनी डाल रहे हैं, तो उसमें भी चीनी है, चाशनी में भी चीनी होगी, इसलिए कम ही डाली चीनी मैंने। अब ये ठीक हो जाएगा बाद में। अब देखो इतना गाढ़ा होना चाहिए, बाद में वो ठीक हो जाएगा। इसमें गैस बंद कर रही हूँ। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने अब डीप फ्राई करना है। लाइट ब्राउन नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना हमने। इस तरह हमने सबने लाइट ब्राउन करने हैं। लाइट ब्राउन करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। अब देखो और डाल दूं मैं, इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। ये हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। ये हमारे सब फ्राई हो चुके हैं। अब हम ना पीस चाशनी में डाल रहे हैं, डाल कर निकाल रहे हैं, बस ज्यादा देर नहीं रखना। अब इसके बाद नारियल पाउडर डालेंगे। फिर जो हमने ये बनाई है ना रबड़ी, वो डालेंगे इसके ऊपर।
इसके ऊपर ड्राई फ्रूट। ये शाही टोस्ट हमारे रेडी हो गया है।